मंदसौर के मऊनी मचमार्ग स्थित वन विभाग कार्यालय पर गैर वन क्षेत्रों में वन्य प्राणी संरक्षण तथा रेस्क्यू कार्य दिया गया प्रशिक्षण। मंदसौर के मऊनी मचमार्ग स्थित वन विभाग कार्यालय पर आज गैर वन क्षेत्रों में वन्य प्राणी संरक्षण तथा रेस्क्यू कार्य का दिया गया प्रशिक्षण, जिसमें वन रक्षक सहित जिले के अधिकारी कर्मचारी एवं प्राइवेट जो लोग जहरीले सांप पकड़ते हैं उन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार और अन्य अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। मंदसौर के पुलिस आरक्षक रशीद कुरैशी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हम लोग कई समय से जहरीले सांप एवं अन्य जहरीले जानवरों को पकड़ने का कार्य करते हैं और आज यहाँ पर जहरीले जानवर सहित अन्य वन्य प्राणियों के बारे में प्रशिक्षण का कार्य दिया गया है। और यहाँ पर कल मंदसौर शहर में एक 10 फीट जहरीला सांप पकड़ा था, उसका डेमो भी इस कार्यशाला प्रशिक्षण में डेमो के तौर पर दिखाया गया है कि किस तरह जहरीले सांप को पकड़ा जाता है और कौन सा सांप जहरीला होता है और कौन सा नहीं होता है। यहाँ पर खास तौर पर मंदसौर जिले में नीलगाय के आतंक से जो किसान परेशान है और जो नीलगाय के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई है, जिसमें नसबंदी नीलगायों को करने की मांग को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 2 महीने पहले भी मुलाकात की थी और अब प्लान बनाया जा रहा है कि मंदसौर जिले में जहाँ पर भी नीलगाय हैं उनको पकड़कर गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ने का कार्य किया जाएगा पर वहाँ से वापस नीलगाय जिले में आ सकती है, इसीलिए नीलगायों की नसबंदी करेंगे तो उनकी तादाद नहीं बढ़ पाएगी, इस तरह की मांग की गई है। और भी कई तरह के सुझाव दिए गए हैं और बताया कि गैर वन क्षेत्रों में वानी के विस्तार हेतु जन जागृति एवं गैर वन क्षेत्रों में वन्य प्राणी संरक्षण तथा रेस्क्यू कार्य का प्रशिक्षण दिया गया है। मीडिया से चर्चा करते हुए 1:37 पर मंगलवार को बताया, 10 फीट लंबा सांप है, गांव में एक के मकान में घुस गया था जो पारस कॉलोनी में, तो हमारे पास फोन आया था तो फिर हमने कमलदास बेरा जी को बताया, इन्होंने जाके रेस्क्यू किया जो पकड़ के लाए साहब। आज के कार्यक्रम में आप भी लाए थे इसको दिखाने? आज के कार्यक्रम में वन विभाग का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था जिसके कारण जो हम इसको रेस्क्यू के हिसाब से दिखाने के लिए लाए थे, जो रशीद कुरैशी। आज यहाँ वन विभाग के द्वारा कार्यशाला प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें जो किसान भाई नीलगाय से काफ़ी परेशान हो गए हैं उन्होंने अपनी सहभागिता की है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीलगाय का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, इससे किसानों की फसलों को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ सड़क दुर्घटनाएँ भी बढ़ती जा रही हैं। कुछ समय पहले 2016 में जब बोमा पद्धति विकसित की गई थी नीलगाय को पकड़ने के लिए, तो उसमें शासन का काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ था। तो मेरा तो बस यही कहना है कि शासन जो भी फैसला ले मन में इस चिंता को रख कर ले कि जो पद्धति वो यूज़ करे, जिस पद्धति का वो उपयोग करने वाली है उसमें जो शासन का पैसा है वो व्यर्थ ना हो और वह पद्धति जो उपयोग करने वाली है वो सार्थक हो, जिससे एक इसमें कुछ टेक्निकल इशू आ सकते हैं, जैसे सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि नीलगाय को पकड़कर गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ना, अगर इसमें टेक्निकल इशू ये आता है कि अगर वहाँ से नीलगाय वापस आ गई तो पूरी टेक्निक ही फेल्यूअर की कगार पे रहेगी। तो मेरा यही मानना है कि नीलगाय को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसकी नसबंदी कर दी जाए ताकि उसकी जो आबादी है उसको कंट्रोल किया जा सके। जब मनुष्य की आबादी को भी अपन नसबंदी से कंट्रोल कर सकते हैं तो नीलगाय की आबादी को तो ऑब्वियस नसबंदी से कंट्रोल किया ही जा सकता है। तो इसी चिंता को शासन ध्यान में रखे। मेरी 2 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी जिसमें मैंने इस विषय को रखा था कि नीलगाय की आबादी को कंट्रोल करने के लिए उसकी नसबंदी कर दी जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पकड़ने के आदेश वन विभाग को दिए हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।